दिल में खुशामदी। तो उस दिन जो हमारी अधूरी शॉपिंग रह गई थी, यानी कि पूरी नहीं हुई थी, उसको पूरा करने आज हम फिर निकल चुके हैं, मतलब निकलने वाले हैं। और इस बार हम कहीं नई जगह जाएंगे, नई जगह नहीं मतलब अलग जाएंगे, और कहाँ जाएंगे तो आप खुद देख लेना आगे ब्लॉग। फ्रेंड्स, ये वॉल कितनी प्यारी है ना। और ये देखिए हमारा चेतक, अब हम सवार हो गए हैं अपने तिपहिया वाहन में। और चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ हमारे किला, यानी कि किला बरेली का किला, ना कि लाल किला। यहाँ पे देखिए हर तरीके की सब्जियाँ आपको मिलेंगी, फ्रूट्स मिलेंगे। अगर आप बरेली के निवासी हैं तो जानते ही होंगे कि किले पे सब कुछ मिलता है। और फ्रेंड्स, आपको पता है यहाँ का ट्रैफिक भी उतना ही फेमस है जितना यहाँ का फ्रूट्स और सब्जियाँ। लेकिन आप देखिए यहाँ पे फाटक जब बंद हो जाता है, ओफो क्या ट्रैफिक लगता है ना। और यही मेरे साथ अभी होने वाला है। ये देखेंगे आप, यहाँ पे लग गया था फाटक, और हम क्या, फिर हम तो हैं इंडियन, तो फिर हमने नीचे झुका और निकल लिए। और फ्रेंड्स, ये देखें यहाँ का हनुमान मंदिर, जो कितना पुराना है मुझे खुद भी नहीं पता। और अपने चरणों को कष्ट देते हुए आगे की ओर बढ़ गए और पहुँच गए एक चप्पल की शॉप पर। और यहाँ पे हमने चप्पल देखी लेकिन पसंद नहीं आई। और ये देखिए गौ माता खड़ी देख रही हैं सबको। और हम पहुँच गए स्वर्ण नगरी, यानी कि साहूकारा। यहाँ पे सोना ही सोना है हर जगह। और फिर हम पहुँचे कपड़े की शॉप पे, जो कि सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पे पहले मैंने कपड़े देखे, फिर खुद को देखा। तो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे तलाश ख़त्म हुई, यहाँ पे हमें मिल गया कपड़े हमारे जो हम दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो यहाँ मिले हमें। और फ्रेंड्स, ये देखिए हाले बाज़ार का हाल इतने ज़्यादा बेहाल हो गया। तो हम देखो आ चुके हैं घंटा घर, और यहाँ पे इतनी भीड़ है, जद्दोजहद करके हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी निगाह रास्ते पर रखते हैं। ये देखिए कुतुब खाने का पुल, जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। और यहाँ पे मैं और सना बातें कर रहे थे, मैंने पता नहीं क्यों उसे डांट दिया उस टाइम। और यहाँ पे भैया ने बना दिया है गन्ने का रस, और ये दो महिलाएं गन्ने का रस का आनंद लेते हुए। ओहो, और सना को देखे जरा, यहाँ भैया इसको फुल टू इग्नोर कर रहे थे, पैसे ही नहीं ले रहे। आपको बचते बचाते आगे की ओर बढ़ रही हूँ, मुझे यहाँ डर भी लग रहा है कि मुझे कोई ठोक ना दे, इसलिए मैं बहुत ध्यान से चल रही हूँ। और सना मेरे आगे है, मेरे पीछे कोई भी नहीं है। हम दो ऑटो वालों को रिजेक्ट कर चुके हैं, और अभी भी हम अपनी 11 नंबर की सवारी से ही चल रहे हैं। और हमारे पैरों में आज बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, क्योंकि हम आए भी अपनी सवारी से थे और जा भी अपनी सवारी से रहे हैं। यहाँ धूल बहुत हो रही है, इसलिए अब थोड़ा कम शूट करते हैं, पता चले हम थक जाएं। और पानी पूरी देखकर तो मेरा दिल ही ललचा गया। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ताजू सरिया का उर्स था, तो ये चादर जा रही थी माशाल्लाह। फ्रेंड्स, हम लोग एक जगह पहुँच चुके हैं जिसका नाम आपको पता है क्या है, जहाँ हम पहुँचे उसका नाम है फूटा दरवाज़ा। विच इज़ अभी अजीब ना, अजीब है थोड़ा सा ना, लेकिन हम पहुँच गए हैं फूटे दरवाजे। और अभी भी हम अपनी यात्रा पे ही हैं, हमारी मंजिल हमसे अभी दूर है थोड़ी सी, लेकिन बहुत जल्दी हम अपनी मंजिल के करीब होंगे, इसलिए हम चलते जा रहे हैं। बस सना आगे आगे, मैं पीछे पीछे। क्या हो गया सना, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस सना नाराज हो रही है मेरे से। आगे नहीं, नहीं हो रही तू तो, आगे तो मैं थी ना, पीछे थी। हाँ, ये आगे थी मुझसे, इसलिए मुझसे नाराज। हम फाइनली चलते चलते किले तक आ चुके हैं, और हमारी बहुत सारी शॉपिंग भी हो चुकी है इंशाल्लाह। माशाल्लाह बेटा, हमारी शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अच्छे से हो गई, डन हो चुका है ऑलमोस्ट। और हमें खुशी है इस बात की, जो शॉप्स हैं सब क्लोज होने लगी हैं। लेकिन एक बात और भी है कि हम बिल्कुल टूट गए हैं चलते चलते, अभी भी अपनी सवारी पर हैं, इंशाल्लाह आगे हमें मिल जाएगी सवारी। और फ्रेंड्स, हम अपने तिपहिया वाहन में सवार हो गए, यहाँ पे इन्हें ठोक दिया था हमें। और फिर ये देखिए बास बरेली, हाँ यहाँ को बास बरेली भी बोलते हैं बरेली को। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं वापस अपने घर, अपनी मंजिल। यही थी हमारी मंजिल, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी शॉपिंग बहुत अच्छी रही और हमें सामान भी मिल गया जो जो हमें चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दिखाते हैं आपको हम क्या क्या लाए, जो जो हमें याद आया हमने वो सब ले लिया। अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या मतलब रैंडम चीज़ें ली थी, तो देखिए घर की।
पहले तो थी हमारी ये जो कि है, किसे क्या बोलते हैं, पकड़ बोलते हैं आई थिंक, तो ये हमारी पकड़ बहुत इम्पॉर्टेंट। फिर रही ये हमारी छन्नी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी, इसके बिना हमारी चाय कैसे छनती भाई। और ये रहा शावर कैप, और हमने ये भी लिया, आप कहेंगे ये क्या है, ये है, आपको दिख रहा है ना, ये है टॉयलेट ब्रश ये भी हमने ले लिया। और हमने ली मेहंदी, ये हमने इसलिए ली क्योंकि हमें लगानी थी मेहंदी, और क्या। और हमने और ली मेहंदी, मोर मेहंदी। और फिर जब हम इतनी चीज़ें ले रहे हैं तो खाने की चीज़ें कैसे छोड़ सकते हैं, तो ये ले लिया बिस्किट का पूरा पैकेट, सही करा ना, और घर के यूज़ के लिए। और लिया हमने ये लोटा, लोटे, लोटा नहीं लिया हमने, लोटे लिए, ओके। तो हमने ये दो लोटे लिए बस। और भी है हमारा, मतलब आउटफिट है, वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह, है ना सना, इंशाल्लाह। वो हम आपको ऐसे नहीं दिखाएंगे, वो हम आपको पहन कर दिखाएंगे इंशाल्लाह, ओके। तो ये रहा हमारा छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब कर दो भाई। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।